हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आपके लिए लेकर आया हूँ इन जो स्टैटिक जीके का नया लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंजाब रीजन के बारे में, तो पंजाब स्टेट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा दिल्ली पुलिस का जो बैच है उसमें हम जो स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके हम पढ़ते हैं हमारा स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज हम आज पंजाब पढ़ने वाले हैं। हम दो स्टेट अभी पढ़ चुके हैं, दिल्ली वाला पढ़ चुके हैं, हरियाणा वाला पढ़ चुके हैं। तो दो स्टेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम आपको जो वीडियो है, वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। उसके साथ साथ जो हमने क्या है, दो लेक्चर और कर लिए हैं। दो लेक्चर हमने हिस्ट्री के कर लिए हैं और दो ही लेक्चर हमारे पॉलिटी के हो चुके हैं। तो इसमें प्रियम्बल और जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हो चुका है। हिस्ट्री में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके साथ साथ जो हमारा वैदिक एज है उसके बारे में हम कर चुके हैं। तो ये अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखे, आप डिस्क्रिप्शन जाकर के लिंक दे करके वहाँ पर देख सकते हैं और हम अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं, पूरी तैयारी। और जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम में आपको सोर्स सिलेक्शन बैच हमने लॉन्च किया है। अगर आप हमारे जो पैटर्न को फॉलो करेंगे, हमारे क्लासेस रेगुलरली देखेंगे और साथ साथ जो हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाएंगे तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारी गारंटी है। तो ये इसलिए हम सोर्स सिलेक्शन बैच को दे रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले पंजाब के बारे में। तो पंजाब क्या है, पंजाब हमारा एक स्टेट है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो पंजाब हमारा स्टेट है नॉर्थ इंडिया में। इसकी लैंग्वेज कौन सी है, यहाँ पे लैंग्वेज पंजाबी बोली जाती है, यहाँ पे पंजाबी और हिंदी मेन लैंग्वेज यहाँ के पंजाबी है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज भी यहाँ पे है और लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे क्या है, पंजाबी है। तो चलिए अभी पंजाब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब क्या है, पंजाब का नाम कैसे पड़ा। पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज प्लस आब। यहाँ पे पंज का मतलब हो गया पांच और आब का मतलब होता है रिवर, नदियां। तो यानी कि पांच नदियों के संगम को क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। ये पूरा पंजाब है, जैसे जो इंडिया और पाकिस्तान, ये इंडिया हो गया, इंडिया और पाकिस्तान जो दो हिस्सों में बट चुका है आज़ादी के बाद, दो हिस्सों में बट गया, तो इसको भी पंजाब कहते हैं, पंजाब प्रोविंस कहते हैं पाकिस्तान का, और इसको भी क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। ये इंडिया का हिस्सा है, पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है पंजाब का वो इंडिया वाले हिस्से से ज़्यादा बड़ा है। और क्या है जो, क्योंकि हमारे यहाँ पाँच नदियाँ होती है पंजाब में, इसीलिए इसको पंजाब कहते हैं। तो इंडस नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कौन सी है इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। तो ये पांच नदियों से बनकर के क्या है, मिलकर के पंजाब बना है, इसलिए इसको कहते हैं पांच नदी प्लस पांच प्लस रिवर यानी आब, पंजाब, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। तो कुछ हिस्से क्या है, इसमें तीन नदियां यहाँ पे आ जाती हैं और दो नदियां इस वाले पंजाब में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में है। तो ये सभी क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सभी की सभी। ये होगी सतलुज, ये होगी रावी, ब्यास, चिनाब और लास्ट कौन सी होगी, झेलम। तो इसमें ये वाला जय आएगा। तो झेलम पांच नदियां ये होंगी, इनसे मिलकर के पंजाब बनता है, पूरा पंजाब बनता है। लेकिन जो तीन नदियां हैं, सतलुज, रावी और ब्यास, ये इंडिया के जो पाकिस्तान, इंडिया का जो पंजाब है वहां से गुजरते हैं। और जो बाकी की दो नदियां हैं, झेलम और चिनाब, ये निकलती तो यहां अपने जम्मू कश्मीर के आसपास से है, लेकिन ये कहां, ये इंडिया के पंजाब से नहीं जाती है, ये जाती है हमारा जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां से ये गुजरती है। तो ये पांच नदियों से मिलकर के पंजाब बना है, पंजाब रीजन बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। और दो हिस्से हो जाते हैं इसके आजादी के बाद, एक हिस्सा आ जाता है पाकिस्तान के पास और एक हिसाब जाता है इंडिया के पास। तो इंडिया वाले को भी पंजाब कहते हैं और पाकिस्तान वाले को भी वहाँ पे पंजाब ही कहते हैं। तो ये हमारा पंजाब के बारे में कुछ था। एक बार यहाँ पे पंजाब दे रखा है तो इसमें देख लेते हैं, मैंने मैप बना दिया है मोटा मोटा, इतना अच्छी ड्राइंग मेरी है नहीं, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश, ऊपर हमारा जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी,
यहाँ पे आसपास कहीं पड़ती है चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी। नीचे हमारा कौन सा हो गया, हरियाणा। इधर कौन सा आ गया, राजस्थान। और ये जितना भी सारा हिस्सा वेस्ट का हिस्सा, ये आ जाता है पाकिस्तान। तो कितने स्टेट से बाउंड्री लगती है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो ये मेन मेन तो है तीन स्टेट्स, लेकिन यूनियन टेरिटरी कौन सी है, चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे बाकी जो हमारा पंजाब है, पंजाब से बाउंड्री लगती है, और ईस्ट जो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा पाकिस्तान से लगता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, नॉर्थ में हो गया। हिमाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, चंडीगढ़ हमारी है ईस्ट में, हरियाणा हमारा साउथ में और साउथ ईस्ट में, राजस्थान हमारा है वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में। तो ये हमारा जो पांचों के पांचों स्टेट लगते हैं सारे के सारे, वो देख लीजिए पंजाब के बारे में। और यहाँ तक क्या है, नदियों के बारे में भी आप लिख लीजिए, कौन सी नदियाँ अपन इंडिया के पंजाब से गुजरती हैं और कौन सी नदियाँ पाकिस्तान के पंजाब से गुजरती हैं। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी जो स्टडी जीके है वो पहुंच सके। और इसके साथ साथ जो हमारा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके लेक्चर भी आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पॉपुलेशन और एरिया के बारे में। तो पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है, 2,77,04,236। ये है हमारी 2011 के जो जनगणना हुई थी, जनगणना 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है, 2,77,04,236। और इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में इसका प्लेस कितना हो जाएगा, 16th। तो 16th लार्जेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारा एरिया देख लेते हैं। एरिया है 50,362 स्क्वेयर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वेयर, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा पंजाब का एरिया है 50,362 स्क्वेयर किलोमीटर का। और ये स्टेट इसमें पॉपुलेशन एरिया वाइज कितना आ जाता है, 20th प्लेस इंडिया का, इसका इंडिया में किसका है, पंजाब का है। तो ये आप एरिया और पॉपुलेशन के बारे में देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड। तो सबसे पहले स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल और स्टेट ट्री। तो स्टेट बर्ड क्या है हमारा, बाज। स्टेट एनिमल ब्लैक बक, काला हिरण। और स्टेट ट्री हो गया हमारा शीशम का, शीशम का पेड़ तो आपने देखा होगा, वही क्या है हमारा यहाँ का स्टेट ट्री है पंजाब का, स्टेट एनिमल है काला हिरण। बाज क्या है यहाँ का स्टेट बर्ड। ये तीनों चीज भी आप नोट कर लीजिए। अभी एक बार देख रहे थे सीएम और जो गवर्नर है वो कौन कौन रह चुके हैं, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। तो पहले फर्स्ट सीएम के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट सीएम, करंट सीएम, फर्स्ट गवर्नर, करंट गवर्नर। तो फर्स्ट सीएम थे हमारे गोपी चंद भार्गव। अभी कौन सीएम चल रहे हैं हमारे पंजाब के, करंट सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं।
फर्स्ट हमारे कौन से गवर्नर कौन थे? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, ये हमारे कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे पंजाब स्टेट के, पहले राज्यपाल थे। तो गवर्नर क्या होता है? राज्यपाल। सीएम को इंग्लिश हिंदी बनाने की जरूरत नहीं होगी। क्या नाम है सीएम का? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। गवर्नर कौन है अभी करंट में? वीपी सिंह बदनौर। तो ये हमारे हिज एक्सलेंसी हैं, गवर्नर है कहाँ के? पंजाब के। अभी देख लेते हैं एक बार राज्यसभा और लोकसभा की सीट देख लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, राज्यसभा की सीट कितनी यहाँ पे? 13, लोकसभा की सीट 7, और यहाँ की विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी सीटें कितनी यहाँ पे? 117 सीटें हैं। तो तीन चलिए नोट कर लीजिए, 13 यहाँ पर राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट यहाँ पे 7, और विधानसभा यहाँ कितनी है उसमें 117 सीटें टोटल। इसके लिए कितनी होगी मेजोरिटी? कितनी चाहिए है किसी उसमें इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए और अंदर इलेक्शन जीतने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? यहाँ पे, यहाँ पे चाहिए होगी 5-8, ये तो मिनिमम हो गया, 5-9 हो गया यहाँ पे। तो 59 चाहिए क्योंकि 117 का होगा, 58 हो गया, 58.5 से ज्यादा चाहिए होती है, जितना आता है उससे ज्यादा। तो 58.5 के ऊपर क्या हो गया? 59 हो गया। तो इतनी सीटें आपको इलेक्शन यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए हैं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। अब यहाँ का जो स्टडी करता है वो उठा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। एक बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? शायद मैंने अभी तक नहीं बताया है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे 22, लैंग्वेज मैंने बता दिया है पंजाबी है यहाँ की। यहाँ पे एक टेम्पल फेमस है, टेम्पल क्या है? एक ही टेम्पल है यहाँ पे जो फेमस है ज्यादा, वो है गोल्डन टेम्पल। यहाँ पे लेक्स कौन सी हैं? एक है हरिके लेक और एक है रूपर लेक। हरिके लेक के ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी भी हैं। तो क्या है? हरिके बर्ड सेंचुरी और हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हरिके लेक के ऊपर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, दो सेंचुरीज हैं, एक बर्ड सेंचुरी होगी और उसी को बड़ा अगर साइज में देखें तो वो क्या है? हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात उठी गई है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में देख लेते हैं कौन सी यहाँ पे है। बर्ड सेंचुरी सिर्फ एक ही है यहाँ पे, हरिके बर्ड सेंचुरी, और नदियाँ लेक कौन सी है? रूपर लेक और हरिके लेक। तो ये दो लेक यहाँ पे है। टेम्पल देखा थे मैंने, बता दिया आपको गोल्डन टेम्पल यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं कौन सी है। एक तो होगी हमारी हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एक आपको बता दिया मैंने हरिके लेक है, एक है बीर आइसवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है बीर बुनेर हेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तीन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बीर आइसवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर बुनेर हेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे एक डैम भी प्रेजेंट है, डैम सॉरी तीन है, अभी एक बार इसको लिख लीजिए, मैं फिर तीनों के तीन डैम आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डैम्स देख लेते हैं कौन से हैं। पहला है सीसवान डैम, ये है सीसवान नदी पे। नेक्स्ट हमारा डैम है दमसल डैम, ये दमसल नदी पर है। नेक्स्ट हमारा भाखड़ा नंगल डैम, ये हमारा सतलुज नदी पे। और लास्ट का कौन सा जगह हमारा रणजीत सागर डैम, ये हमारा रावी नदी पे। तो ये चार डैम्स प्रेजेंट है हमारे, सिसवान डैम है सिसवान नदी पे, दमसल डैम है दमसल नदी पे, भाखड़ा नंगल डैम है कहाँ पे? सतलुज नदी पे, और जो रणजीत सागर डैम है वो कहाँ पे? हमारा रावी नदी पे। तो ये चारों बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रणजीत सागर और भाखड़ा नंगल डैम, ये दोनों डैम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नंगल डैम पे क्या है? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन से नदी पे है? सतलुज नदी पे है, और उसको भाखड़ा डैम में ही क्या है, वहीं भाखड़ा डैम किसी लिए बनाया जाता है?
ताकि जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेन पर्पज उसका ये भी होता है। तो यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, भाखड़ा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी इसको कहते हैं। तो ये पावर प्लांट मैंने बता दिया, एक थर्मल पावर प्लांट भी है यहाँ पे। थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये कहां पे है? घनौली में। तो घनौली पंजाब में क्या है? गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट। एक थर्मल पावर प्लांट हमारा यहाँ पे पंजाब में है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया भाखड़ा नंगल डैम के ऊपर सतलुज नदी में। तो चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अभी हमारे नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आज के बच गए हैं, फोक डांस। और फेस्टिवल्स, इन पॉइंट्स के ऊपर भी एक बार देख लेते हैं। फोक डांस कौन से हैं? भंगड़ा है, और कौन सा है? डफ, डफ हो गया, धमन हो गया, और गिद्दा। ये चार हमारे क्या है यहाँ पे मेन फोक डांसेस हैं, जो क्या है, लोक नृत्य। फेस्टिवल्स क्या है, त्यौहार कौन से हैं यहाँ पे? बैसाखी हो गया, लोहरी हो गया, गुरुपर्व हो गया। तो ये क्या है आपके मेन फेस्टिवल्स हैं, ये तीनों मेन फेस्टिवल्स हैं। ये क्या है? लोक नृत्य है। तो ये आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए इनको, क्योंकि ये पेपर में कई बार आते हैं कि बैसाखी कहाँ का डांस है, वैसाखी कहाँ का फेस्टिवल है, भंगड़ा कहाँ का डांस है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारा पंजाब स्टेट था, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए आज थोड़ा लेक्चर छोटा बना है। कल हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का हमारा लेक्चर लेकर आएंगे, 6th century BC के बारे में, महाजनपद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ तक वीडियो को, आज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चलती रहे। आपका दिल्ली जो पुलिस का कॉन्स्टेबल का बैच है वो हम लेकर आए हैं, और इसके लिए क्या है, हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आप नोट्स बनाइए, साथ में नोट्स के साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप बाद में बना सकते हैं, साथ साथ बनाना आपको नोट्स तो साथ में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और रिविजन करने में भी काफ़ी बाद में आसानी होगी। ज़्यादा बल्क मैटर नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, सिर्फ नोट्स में जो एक तरह से सीमित डाटा है वही पढ़ करके आप जो एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।